पार्टी। तो आइए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। भाजपा में 144 लागू, 2019 में हारी सीटों को जीतने की तैयारी। जेपी नड्डा और अमित शाह का बड़ा मंथन। बीजेपी मीटिंग में पिछले दिनों 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई 144 सीटों को विभिन्न समूहों में बांटकर एक दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंगलवार को साल 2019 के चुनाव में हारी हुई लोकसभा की 144 सीटों के लिए रणनीति बनाई। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा ने इन सीटों की जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय मंत्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर मंथन किया है। भाजपा मुख्यालय में हुई एक अहम बैठक में गृह मंत्री शाह ने इनमें से कम आधी सीटें जीतने पर जोर दिया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई भी सीट जीतना मुश्किल नहीं है। शाह ने इस अभियान से में जुटे मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा है कि संगठन की वजह से ही सरकार है, संगठन सरकार से बड़ा है। दक्षिण से बंधी कांग्रेस की उम्मीद। भारत जोड़ो से नजरें 129 लोकसभा सीटों पर। भाजपा ने पिछले दिनों 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई 144 सीटों को विभिन्न समूहों में बांटकर एक दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी थी। अधिकांश मंत्रियों ने ज्यादातर सीटों पर अपने प्रवास का काम पूरा कर लिया है, उसकी रिपोर्ट भाजपा नेतृत्व को सौंपी है। बैठक में महामंत्री संगठन बीएल संतोष, अनुराग सिंह ठाकुर, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव एवं अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक में मंत्रियों को दी गई नसीहत। पहली, हारी हुई सीटों को जीत में बदलना प्राथमिकता होनी चाहिए, कम से कम आधी सीटें जीतनी ही होंगी। बैठक में मंत्रियों को दी गई नसीहत। पहली, हारी हुई सीटों को जीत में बदलना प्राथमिकता होनी चाहिए, कम से कम आधी सीटें जीतनी ही होंगी। दूसरा, पिछले चुनाव में भी लगभग 30 हारी हुई सीटों को जीता गया था। तीसरा, कार्यकर्ताओं को सम्मान दे। मंत्री केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क कर उनकी प्रतिक्रिया पार्टी के साथ साझा करें। चौथा, भाजपा नेतृत्व जल्दी मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर सकते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ और देखते रहे कि क्या भाजपा 2024 का चुनाव जीतने में सफल होती है या इस बार कांग्रेस बाजी मार जाती है। धन्यवाद।